लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप इस प्रकार से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो बिना आरटीओ ऑफिस गए आप घर से ही अपना लर्निंग टेस्ट दे पाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना आधार कार्ड 500 KB तक, पैन कार्ड 500 KB तक और आपकी सिग्नेचर 20 KB तक होनी चाहिए। अब आपको क्रोम ब्राउजर में परिवहन सर्च करना होगा। फर्स्ट इंटरफेस आएगा परिवहन सेवा का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर लर्नर लाइसेंस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना होगा। देन अगर कोई पॉपअप आ रहा है तो आपको इसको स्किप कर देना होगा। कई ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। पहला है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक करना होगा। सात स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट होगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। दो ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन। इसके थ्रू करेंगे तो आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। घर से आप जो अपना लर्निंग टेस्ट दे पाएंगे, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं आधार में दूसरा करेंगे तो आरटीओ जाना पड़ेगा। पहले हम क्लिक करेंगे, पॉपअप को ओके करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट शो हो जाएगा। आधार नंबर पे आपको क्लिक करके आधार नंबर यहाँ पे पूरा 12 अंक का एंटर करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे नंबर भी शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना होगा 6 अंकों का। उसके बाद इन तीनों टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। देन उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। देन लोडिंग होगा, आपके आधार की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और यहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे रेड में पॉपअप आएगा, आपको इसको आपका आरटीओ रिगार्डिंग होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आपका जो पूरा डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगा, पिन कोड, आरटीओ वगैरह, यहाँ पे आपका नेम। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि जो नाम है वो रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, बाकी सही है तो छोड़ देना होगा। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में जहाँ पे जिस भी सिटी में आपका जन्म हुआ वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। आपका लैंडलाइन नंबर छोड़ देना होगा। जो भी आधार मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पे आपको उसको लिंक कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप पता होगा तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अननोन पे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे का आप जो इमरजेंसी नंबर है, घर का कोई अदर नंबर दे देना होगा, दोनों ऑप्शन ये छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस शो हो जाएगा, जैसे कि आपका स्टेट और आपकी सिटी, जो भी तहसील होगा ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद विलेज या टाउन जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी आपके विलेज की, यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना होगा अपना विलेज। देन उसके बाद विलेज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा, जो कि आपके आधार में होगा। जो आप प्लेस ऑफ बर्थ जब से रह रहे हैं वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा, बाकी छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन हो रहा है पांचों कॉलम, ये पूरा फ्रेंड्स आपके डीएल में प्रिंट होकर आएगा, यही मैंडेटरी है। जो यहाँ पे लिखा होगा सही है तो आप फ्रेंड्स इसको एक बार मैच कर लेना होगा। नीचे फ्रेंड्स जिस भी आप व्हीकल का लाइसेंस बनाना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मोटरसाइकिल विथ गियर पे डबल क्लिक करेंगे, एरो पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जैसे कि एलएमबी है मोटरसाइकिल का, अलावा जैसे फोर व्हीलर का ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाकी बैक करना चाहते हैं उसे फिर से क्लिक करेंगे, नीचे वाले एरो पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो बैक हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप कैंसिल कभी डीएल हुआ है तो यहाँ पे टिक करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पे टिक करना होगा। उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी तो आपको आरटीओ जो है ड्राइविंग टेस्ट देने नहीं जाना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहला जो है नो करना होगा, दूसरा यस करना होगा और सभी नो कर देना होगा। इस तरीके से इसको फिल कर लेना होगा, सभी में नो करके दूसरे वाले केवल यस करना होगा। इसी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सभी में हम नोट टिक कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एयर बाइड इसको टिक करके सबमिट पे क्लिक करना होगा, ये ओके कर देना होगा आपको। उसके बाद ये सबमिट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको आपको फ्रेंड्स बैक पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एक्सीडेंटल केस में अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना होगा, नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट होता है, टिक होता है, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पॉपअप को आपको ओके कर देना होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू जो है आपका मैसेज आएगा। उसके बाद दोबारा से फिर से आपको ओके पे क्लिक करना होगा, फिर से आपको सबमिट फाइनल के लिए ओके कर देना होगा। अब यहाँ पे फाइनल जो है आपको जो है सबमिट हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर नेम अगर यहाँ पे सो जाएगा, जैसे कि जिस भी व्हीकल के लिए आपने अप्लाई किया होगा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए दो प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एज प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आईडी हो जाता है। उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप जो इसका एक्नॉलेजमेंट सेव कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको इंटर करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगर फ्रेंड्स किसी कारण फेल हो जाता है आपको स्टेटस से फिर से आके डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पे नीचे जैसे देखते हैं तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे आके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा, टिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो डॉक्यूमेंट देना होगा, एक एज प्रूफ के लिए, दूसरा एड्रेस प्रूफ के लिए। एज प्रूफ यहाँ पैन कार्ड दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, एज प्रूफ अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फोटो इशूड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पैन कार्ड को आपको 500 KB तक जो कन्वर्ट कर लेना होगा, ओके कर देना होगा। पॉपअप को यहाँ पे सभी छोड़ देना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे पैन कार्ड होगा 500 KB तक उसको फाइल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कलर प्रिंट आउट पे आपको अपलोड करना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड करना होगा, पॉपअप को ओके करना होगा। उसके बाद फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से आपको एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड जो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब छोड़ के चूज फाइल पे आपको आधार कार्ड जो है सेल्फ अटेस्टेड कलर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो आपके सामने आई डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के जैसे सबमिट करेंगे, तीसरा ऑप्शन है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, आधार की फोटो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आप सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज पे क्लिक करना होगा। उससे पहले फ्रेंड्स सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। ब्राउज पे क्लिक करना होगा, अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर आ जाएगी, सेव फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा, पॉपअप को आपको ओके कर देना होगा। यहाँ पे सिग्नेचर फोटो अपलोड हो चुकी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर से कैप्चा डाल के जैसे सबमिट करेंगे फ्री पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इससे पहले सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स फ्री पेमेंट करने के लिए आपको कुछ
क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर किसी कारण से साइट फेल होती है तो फिर से एक पेंडिंग एप्लीकेशन पे फिर से डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर जो पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, उसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करके डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना गेटवे सेलेक्ट करना होगा, पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करके पे नाउ पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट का मल्टीपल ऑप्शन हो जाएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अभी मदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर से कंफर्म क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका कार्ड नंबर वो डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे ईयर और मंथ डालना होगा। तो उसके बाद जो भी कार्ड होल्डर नेम होगा यहाँ पे डालना होगा, सीवीवी डालना होगा, कैप्चा डाल के जैसे पे करेंगे, उसके बाद ओटीपी जाएगा, मोबाइल ओटीपी यहाँ पे इंटर करके कंफर्म पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे पेमेंट होने वाला होगा फ्रेंड्स, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पे बैक नहीं करना होगा जब तक कि आपके सामने रिसिप्ट आ जाए। रिसिप्ट आने के बाद यहाँ सक्सेस हो जाएगा, क्लिक कीजिए प्रिंट पे, क्लिक करके रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लेना होगा, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद फिर से कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे डिटेल फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म डिटेल्स यहाँ पे सो जाएगा।